हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम श्वेता शर्मा है। श्वेता शर्मा। हाँ जी, 137 से आती हूँ, गुलशन विमानते से। आपको क्या क्या दिक्कत थी जब मेरे पास आए थे आप? मुझे तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था अच्छा, और सर्वाइकल नेक मेरी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई थी एंड पीछे कुबड़ से निकल आया है लाइक, और राइट हैंड में बहुत दिक्कत थी। राइट हैंड की छोटी फिंगर जो है वो मुड़ती नहीं थी, ओके। उसकी जस्ट वेन्स जो थी वो स्टिफ हो गई थी बहुत ज़्यादा। वो कितने टाइम से था आपको? मुझे हो गए 12 साल हो गए। 12 साल से मैं नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट में अलग अलग टाइप के लेती हूँ। 12 साल से आपको दर्द था सर्वाइकल और सर में? हाँ, मतलब पहले ना स्टार्टिंग तो पता नहीं होता था, जब उस टाइम सर्वाइकल इतना पता नहीं था किसी को, तो वो होता रहता था, हम अवॉइड करते रहे कि सर का दर्द है, माइग्रेन है, अलग अलग टाइप की दवाइयाँ खाते रहे। फिजियोथेरेपी किसी ने बोली, किसी ने ट्रीटमेंट दिया। 2 बार मैंने लंबे टाइम पे नीरो का ट्रीटमेंट भी लिया है। नीरो न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, अच्छा, तो उन्होंने अभी लॉकडाउन में मैंने पिछले 6 महीने में 8 महीने उनकी दवाई पूरी खाई है और उन्होंने 8 महीने कंटिन्यूसली मुझे सुला के रखा हुआ है। अच्छा, इतनी दवाइयाँ खिलाई, आप सोते रहते थे? पूरे टाइम मैं सोती रहती थी, घर का कोई काम नहीं कर पाती थी और बहुत ही मुश्किल होता था। मतलब लाइक ना तो पेन जाता था, जिस दिन मैं दवाई नहीं खाती थी उस दिन वो पेन वापस आ जाता था सारा। ओके, तो फिर आपको लगा कि दवाइयों का कोई फायदा नहीं है? फिर दवाइयों का जब एक दिन गलती से वो स्किप हो गई दवाई और फिर वो उतना ही का उतना पेन रहा, तो आई रियलाइज कि उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है। मतलब वो पेन अपनी जगह पर, बस मैं सो रही हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है। तो फिर मैंने गूगल पर सर्च किया, मेरे हस्बैंड ने उन्होंने सर्च किया कि कुछ और ट्रीटमेंट हम लेते हैं। एंड बिफोर दैट मैंने प्राणिक हीलिंग भी करवाई हुई थी। प्राणिक हीलिंग में क्या करते थे वो? प्राणिक हीलिंग में ऐसे नो टच थेरेपी, लाइक आपको लिटा देते हैं और रेकी वगैरह करते हैं वो? हाँ, इस काइंड ऑफ रेकी। उससे क्या होता? कुछ नहीं होता उससे, वो तो एक तो एक प्रेयर है। हाँ, इस प्रेयर काइंड ऑफ प्रेयर, लाइक आप खुद अपनी प्रेयर अपने आप भी कर सकते हो, बजाय किसी को पैसे देकर प्रेयर करवाएं, आप मंदिर में जाके प्रेयर करो भगवान मेरे को ठीक कर दे। अगर वो पॉजिटिवनेस वाली बात अगर मैं बोलूँ तो वो मुझे आपके पास भी आके लगी। पहली मीटिंग में मुझे लगा आपसे जितना ऑरा आपका पॉजिटिव है, जो आके मुझे फील होता है लाइक, ऐसा लगता है कि पहली सीटिंग में आई एम श्योर कि नहीं ठीक होते, लेकिन आप पॉजिटिव इतना कर देते हो कि इंसान को लगता है कि हाँ आप ठीक हो जाओगे। आपने प्राणिक हीलिंग करवाई, कितने महीने करवाई वो? मैंने 1 महीने करवाई। उसमें कितना फर्क पड़ा आपको? शुरू में थोड़ा सा रिलैक्स हुआ मैं, इससे साइकोलॉजी मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकल उसको कहते हैं साइकोमेट्रिक लगा। एंड उसके बाद अगेन वो सेम उस पर था, मुझे घर के काम में नहीं, क्योंकि मेड्स नहीं थी, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे तब रियलाइज़ हुई कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली हो क्या रही है, कि काम मैं खुद नहीं कर पाती थी, हाथ से कोई सामान नहीं उठा सकते थे क्योंकि वो ग्रिप नहीं बनती थी और थोड़ा सा वेन्स वीक हो रही थी। अब जब से यहाँ आया कितना आपको फर्क है? दवाइयाँ कितनी खा रहे हो आप? दवाई तो अंकल आपने कहा था फेंक दू, मैंने उठा के फेंक दी बिल्कुल। एक दवाई नहीं खा रही हूँ मैं अब। पहले कितनी खाते थे? दिन में 8-9 वन टाइम थी मेरी, तो 2 टाइम मुझे दवाई खानी पड़ती थी। 16 से 18 की दवाइयाँ थी मेरे, मतलब टैबलेट पर टैबलेट, लाइक अगर 18 टैबलेट पर डे खा रही थी। एंड पेन किलर तो मैं खाती ही खाती थी साथ में, और अलग से नींद की दवाइयाँ भी। नींद की दवाइयाँ मैंने बहुत खाई है क्योंकि पेन इतना होता था, मुझे रुकता नहीं था, तो मैं नींद की दवाइयाँ खा लेती थी। अब मैंने 2 महीने हो गए, मैंने एक भी नींद की दवाई नहीं खाई है, एक भी पेन किलर नहीं खाया। कभी होता है तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ कि नहीं खाना मुझे, आपके पास आ जाएंगे वो ठीक हो जाएगा, पर मैं दवाइयाँ नहीं टच कर रही। अभी वो कितना आराम है? काफ़ी आराम है, काफ़ी आराम। कितने परसेंट? आप 80% बोल सकते हो। अभी मेरा तो थोड़ा शोल्डर में रह गया है इधर, क्योंकि बीच में गैप भी मेरा बहुत ज़्यादा हो गया। असल में जी, आपको दवाइयाँ खिला के ना आपको इतना ज़्यादा वो एडिक्ट बना दिया था उसका, तो फिजियोथेरेपी भी मैंने अलग अलग बहुत बार फिजियोथेरेपी ली, 8-10 बार मैंने अलग अलग टाइम। फिजियोथेरेपी भी ली आपने? 12 साल में कई कई बार मैंने 1-1 महीने 1.5-1.5 महीने कंटिन्यूसली फिजियोथेरेपी ली, लेकिन वो टेम्पररी था सब। जब तक आप ले रहे हो तब तक ठीक है, एंड जैसे ये छोड़ रहे हो फिर वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। चलो, आप कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे वो पेशेंट्स हैं या देखने वाले हैं? मैं ये कहना चाहूँगी, बिफोर दैट यू स्टार्ट एनी मेडिसिन, एक बार आप यहाँ विजिट जरूर करें, कहीं भी करें, मेरे पास मेडिसिन जस्ट किल। आप एक बार इस तरीके की नेचुरल थेरेपीज इस तरीके की जरूर लें, क्योंकि आई सफर 12 ईयर, मैंने 12 साल दवाई खा के, मुझे आई नो कि मैंने अपना शरीर को कितना हार्म किया है। आप एक बार नेचुरल थेरेपीज पे जरूर जाएं, कहीं भी हो आप, कहीं भी जाएं। मतलब आई एम श्योर कि आपके पास आ रहे हैं, मुझे पता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि मुझे आपके पास आके बहुत रिलीफ मिला है। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी।